जब दोनों हमारे खिलाड़ियों ने इस देश के नाम मेडल लिए हैं उनको बधाई दी, परिवार के लोगों को भी मैंने बधाई दी है। हरियाणा के लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ी दुनिया में भारत के परचम को लहराने का कार्य कर रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा के जांबाज खिलाड़ी और उत्कृष्ट परिणाम देते हुए हरियाणा के नाम को तो ऊंचा करेंगे, परंतु भारत का नाम भी दुनिया के अंदर रोशन करने का काम करेंगे। हमारी जो खेल नीति है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलो इंडिया के साथ खिलाड़ियों को जोड़ करके एक अच्छे परिणाम लगातार 2014 के बाद भारत को मिल रहे हैं, ये उस नीति का परिणाम है। हरियाणा के अंदर भी जो हमारी खेल नीति है वो खेल नीति का ही परिणाम है कि आजकल इतने मेडल हमारे युवा लेकर के आ रहे हैं। उसके पीछे सरकार की एक बड़ी मेहनत भी है, मेहनत के साथ साथ खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए जो खिलाड़ी हमारे जो मेडल लेकर के आ रहे हैं, ये उनकी मेहनत को सलाम है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी कुछ भी दावा कर ले, वो उपहास भी उड़ाते थे। परंतु अंतोगत्वा क्या हुआ, अंतोगत्वा कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि हरियाणा का ट्रेंड भी रहा है, हरियाणा के लोग वो केंद्र को देख कर के वोट देते हैं। केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े मैंडेट के साथ स्थाई सरकार चल रही है और विकासशील सरकार चल रही है, देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार चल रही है। हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। गरीब लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाली सरकार चल रही है। जो हमारा किसान है उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाली सरकार चल रही है। महिलाओं को सशक्त करने वाली सरकार चल रही है। तो हरियाणा कैसे पीछे रहेगा। हरियाणा भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार बना करके हरियाणा में भी विकास की गति को एक नई दिशा देने का काम हरियाणा के लोग करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने जो काम किए हैं उन कामों को भी हम आगे बढ़ाने का लगातार काम करेंगे। और ये दावा कुछ भी करते रहें, इनके क्योंकि दावे इनके पास हैं, इनके पास धरातल पे कोई जमीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है, उसके लिए हमारी रचना योजना, कहीं हमने बैठक करनी है या हमने कार्यकर्ताओं से मिलना है या लोगों से मिलना है। हम लोगों से भी मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल करके रणनीति बना रहे हैं और आने वाले इस 2024 के अंदर एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। देखिए, लालच तो कांग्रेस के लोगों ने दिया है, डराने का काम भी कांग्रेस के लोग करते हैं और भ्रमित करने का काम भी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं झूठ बोल करके। अभी आपके सामने है संविधान की पवित्र बुक को उठा करके लोगों के बीच में ये कहना कि मोदी जी आएंगे संविधान को समाप्त कर देंगे, लोगों के अंदर डराने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, लालच देने का काम भी ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम गारंटी देते हैं। अरे भाई, 55 साल तक आप देश के सत्ता के ऊपर रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी आप लोग सत्ता में रहे हैं, अगर लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आप गारंटी देते हैं तो आपकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी। ये लालच भी देने का काम कर रहे हैं, ये भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं, ये डराने का भी काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। परंतु जो झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है इनके द्वारा, अब इनका वो झूठ नहीं बिकेगा, अब उसका डट करके सामना हमारा कार्यकर्ता भी करेगा। आम लोगों को भी जागरूक करते हुए हम लोगों को भी इस बात से अवेयर करने का काम करेंगे कि कांग्रेस का कोई झूठ नहीं चलेगा। ये झूठ बोलते हैं,
झूठ की बल को राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। उस इनकी राजनीति से हम लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे।